केन विलियमसन कर सकते हैं बांग्लादेश के खिलाफ अगले ओडीआई मैच में वापसी जी हां आपके लिए लाए हैं बड़ी अपडेट यहां पे न्यूजीलैंड के केन विलियमसन जो कि एक टाइम पे कहा जा रहा था कि स्क्वाड में नहीं होंगे तो स्क्वाड में आए और फिर फिटनेस पे सवाल था तो अब आपको बता दें कि केन विलियमसन इज बैग जी हाँ फिट एंड फाइन है और दिख सकते हैं बांग्लादेश के खिलाफ वापसी करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत इतनी कमाल की हुई है कि पहला ओपनर इंग्लैंड के खिलाफ खेला और जहां कहा जा रहा था कि इंग्लैंड के पास एडवांटेज है क्योंकि स्टार्ट कह रहे थे हिस्ट्री कह रही थी वहां आउट परफॉर्म करा न्यूजीलैंड की टीम ने डेवन कॉनवे ने रचिन रविंद्र के बहुत अच्छे रन आए बैट से लेकिन आउट परफॉर्म करती दिखी न्यूजीलैंड अभी तक के मैचेज में और हराया वहां पर इंग्लैंड को फिर नीदरलैंड को भी वहां न्यूजीलैंड ने हराया वहां भी रचिन रविंद्र जो है कंसिस्टेंसी दिखाते हुए अच्छा परफॉर्म करे टॉम लेथम को भी हमने हाफ सेंचुरी मारते हुए देखा और सेंटनर का फाइवर तो हम मिस कर ही नहीं सकते या केन विलियमसन की एबसेंस जरूर थी लेकिन पहले दो मैचेस में पता ही नहीं लगने दिया फैंस को कि केन विलियमसन कप्तान नहीं है टीम में क्योंकि परफॉर्म ही ऐसा करके दिखाया और वो भी वर्ल्ड कप के स्टेज में केन विलियमसन एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहे हैं इस टीम के लिए इनफैक्ट केन विलियमसन के साथ और केन विलियमसन के बिना लोग टीम को अलग देखते थे लेकिन फिलहाल तो महसूस होने ही नहीं दिया न्यूजीलैंड की टीम ने कि केन विलियमसन टीम के साथ नहीं है जहाँ केन विलियमसन की इंजरी हो गई थी आईपीएल में उससे रिकवर कर रहे थे पहले कहा जा रहा था कि वर्ल्ड कप मिस कर सकते हैं लेकिन स्क्वाड uh, में वहां पर नाम आया और फिर कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ वाला मैच मिस करेंगे करंटली दो मैचेस मिस कर चुके है लेकिन अपडेट यही आ रही है कि केन विलियमसन जुड़ सकते हैं वापस बांग्लादेश के खिलाफ मैच में क्योंकि अब हो है, फिट बल्कि पचास ओवर फील्डिंग भी करनी पड़ती है और आप कप्तान है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी ऐसे में ये न्यूज बहुत अच्छी है न्यूजीलैंड के लिए क्योंकि अभी तक भी कमाल परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं इस कप्तान के एडिशन के बाद हम तो यही चाहेंगे कि और कमाल की परफॉर्मेंसेस दिखाए बाकी फैंस बहुत खुश होंगे इस अपडेट से कि केन विलियमसन आ चुके हैं वापस फिट है फाइन है और आने वाले मैचेस में भी जो है कंट्रीब्यूट करने को देखेंगे हमें न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से बहुत अच्छी खबर है न्यूजीलैंड की फैंस के लिए बाकी आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स